Good morning students. I hope you all will be fine. Students, we have completed six chapters in English grammar. And in order, we are going to install another chapter in English literature, not in grammar. It is because we have already completed six chapters and that is enough for now. Okay. बच्चों हमने इंग्लिश ग्रामर में सिक्स चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी के लिए वो पर्याप्त है उसके अलावा मैंने जो पीछे एस वगैरह लेटर्स और साथ में स्टोरी राइटिंग और वह कैप्डलिस्ट कराई है उनको आप लोग अपने फिर कॉपी में लिख लीजिएगा अगर कुछ छूटा हुआ है ग्रामर में अगर कुछ तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं उसको करवा दूंगा आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर जहाँ से छोड़ा था हमने थ्री चैप्टर्स कम्प्लीट करके आज हम फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और हमारा फोर्थ चैप्टर एक स्टोरी है ठीक है और स्टोरी का नेम है द एस एस डैट मेड ट्रीज ब्लूम सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी एंड नो वट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी ओके तो आज हम पढ़ेंगे इसको और जानेंगे कि इस स्टोरी में क्या डिस्क्राइब किया गया है क्या बताया गया है तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें वी मस्ट नो वट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल तो हम इसे स्टार्ट करने से पहले शुरू करने से पहले जो टाइटल नेम दिया है उसकी मीनिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो सबसे पहले चलो देखते हैं कि क्या मीनिंग है भाई इसकी है ना द एसेस तो सबसे पहले एसेस का मतलब होता है राख राख तो आप सब जानते होंगे राख होता है जलाने के बाद जो राख बचती है उसको राख बोलते हैं ब्लू मतलब होता है बच्चों हरा भरा कर देना ठीक है हरा भरा ठीक है तो मीनिंग ये हो गया कि एसेस ऐसे राख जिसने पेड़ को हरा भरा कर दिया ठीक है बच्चों पेड़ को हरा भरा कर दिया अब देखिए मीनिंग ये निकलता है कि ऐसा कोई राख रहा होगा एक राख जिसको पेड़ पे छिड़का गया और पेड़ क्या हो गया हरा भरा हो गया तो एक शॉर्ट समरी मैं आपको बताऊंगा स्टोरी की उसके बाद स्टोरी स्टार्ट करूंगा ठीक है दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड कपल एंड ठीक है एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल ठीक है ये कहानी किसकी है एक बूढ़े व्यक्ति की है एक बूढ़े व्यक्ति और उसके पत्नी की जिसके साथ में एक उनका पालतू कुत्ता भी था ठीक है एक बूढ़े दो बूढ़े लोग थे पति पत्नी उनका एक पालतू कुत्ता भी था ठीक है और उन्हीं के बगल में दो पड़ोसी रहा करते थे पड़ोसी लोग जो थे बहुत ही नालायक थे ठीक है दुष्ट टाइप के थे वो जलते थे उन बूढ़ों दोनों बूढ़े व्यक्तियों से ठीक है और उसके कुत्ते से भी जलते थे क्योंकि उनका जो कुत्ता था बहुत ही अच्छा था वो अपने मालिक का बहुत ध्यान रखता था ठीक है उनके लिए बहुत कुछ काम किया करता था तो एक दिन होता क्या है कि जो उनके पड़ोसी हैं वो बहुत ही ग्रीड़ी हैं लालची हैं और लालच की किसी वजह से कुत्ते को मार देते हैं ठीक है फिर जो कुत्ते की आत्मा होती है वो किस तरह से बदला देती है ठीक है और अपने मालिक को बचाती है हर मुसीबत से इस बारे में बताया गया है ठीक है तो बच्चों ये है समरी शॉर्ट समरी और बाकी स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि स्टोरी में और क्या क्या है तो चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट ओके तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या देखना है चलिए रीडिंग कर देता हूँ मैं आप ध्यान दीजिएगा ठीक है In the good old days, the Damios there lived an old couple whose only pet was a little dog. Damio मतलब होता है राजा ठीक है राजा तो राजा के समय में ठीक है एक बूढ़ा और जो है बूढ़ा कपल रहा करता था कपल मतलब होता है जोड़ी ठीक है एक बूढ़ी राजाओं के समय में बहुत प्राचीन बात है जब राजा लोग हुआ करते थे उसी वक्त में एक बूढ़ा कपल यानी कि बूढ़ी जोड़ी हुआ करती थी ठीक है जिनके पास एक छोटा सा लिटिल डॉग था ठीक है एक पालतू के रूप में उनकी कोई औलाद भी नहीं थी हैविंग नो चिल्ड्रन कोई बच्चा नहीं था दे लव इज़ एट दो इज इट वर आ बेबी ठीक है इसीलिए अपने कुत्ते को बहुत बच्चे की तरह प्यार करते थे और तब से प्यार करते थे जब से वो छोटा सा एक बच्चा हुआ करता था द ओल्ड डेम मेड इट क्यूजन ऑफ द ब्ल्यू क्रैप जो बूढ़े दंपति थे पति पत्नी थे उन्होंने ठीक है नीले कलर की कपड़े से उस कुत्ते के लिए एक तकिया बनाया हुआ था क्यूजन मतलब होता है तकिया बच्चों याद रखिएगा ठीक है थी? क्यूजन में तकिया होता है एंड एट मील टाइम और खाने के वक्त मील टाइम मतलब होता है भोजन के समय मुको फॉर डैट वॉट इट्स नेम खाने का जो नेम था वो था नहीं सॉरी जो कुत्ते का नेम था वो था मुको ठीक है फॉर डैट्स वाट इज नेम उसका नेम था वुड सिट ऑन जो मुको था कुत्ते का नाम था खाने के समय वो क्या करता वुड सिट ऑन इट वो अपने तकिए पर बैठ जाता एज स्नग एज एनी कैट और किस तरह बैठता जैसे कोई बिल्ली बैठ जाती है द काइंड पीपल और जो बूढ़े व्यक्ति लोग थे ठीक है वो बहुत दयालु थे द काइंड पीपल फेड दिथ टिडबिट्स ऑफिस वो लोग जो है उसको क्या दिया करते थे कुत्ते को टिडबिट्स टिडबिट्स मतलब होता है बच्चों जो बची हुई जो खाने में जो बची हुई मछलियाँ होती थी टुकड़े होते थे मछलियों के छोटे छोटे वो अपने जो खाने से बचा हुआ करता था ठीक है खाने के बाद जो टुकड़े बचते थे उसको दे दिया करते थे ठीक है काफी ढेर सारी मात्रा में मछलियों के टुकड़े दे दिया करते थे एंड ऑल द बॉइल्ड राइस और साथ में उसको ठीक है पके हुए चावल भी देते थे जैसा कि उसको चाहिए था तो कुत्ते को अच्छी तरह से खिलाते पिलाते थे ठीक है दस ट्रेटर और इतनी बढ़िया तरीके से खिलाने के बाद द डम्ब क्रिएचर लिव्ड इट्स द डम्ब मतलब होता है गूंगा जो गूंगा जो क्रिएचर था कुत्ता जो था वो अपने प्रोटेक्टर्स प्रोटेक्टर्स मतलब रक्षा करने वाले ठीक है रक्षा करने वाले दयालु व्यक्तियों से अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था ठीक है चलिए आगे देखते हैं बच्चों द ओल्ड मैन जो बूढ़ा व्यक्ति था बींग आ राइस फार्मर वो एक चावल का खेती करता था वेंट डेली विद हो हो मतलब होता है बच्चों फावड़ा ठीक है स्पेड मतलब होता है खुरपी तो फावड़े और खुरपी के साथ वो डेली काम पे जाया करता था मैदान में वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अनटिल और टेंटो सामा ठीक है टेंटो सामा मतलब होता है बच्चों शाम का वक्त जापान में उसको टेंटो सामा कहते हैं तो वो अपने कुल्हाड़ी और खुरपी के साथ खेत में जाता और सुबह से ले शाम तक काम करता ठीक है और तब तक काम करता जबकि सूरज सामा मतलब होता है सूरज ठीक है तो जब तक कि सूरज जो है पहाड़ों के नीचे ना आ जाए यानी सूरज डूब ना जाए तब तक वो लोग काम किया करते थे यानी वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो काम किया करता एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क हर दिन कुत्ता उसके पीछे पीछे जाया करता था उस बूढ़े व्यक्ति के नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉकड इन द फूट स्टेप्स एक दिन क्या हुआ बच्चों कि एक दिन जो है सफ़ेद कलर का बगुला हीरोन मतलब होता है बगुला ठीक है बच्चों क्या होता है बगुला होता है याद रखिएगा एक दिन जो है बच्चों ठीक है सफ़ेद कलर का बगुला कहीं से आ गया ठीक है फुट स्टेप वॉक इन द फुट स्टेप द ओल्ड मैन टू तो पिक अप द वॉम्स और उसने बूढ़े व्यक्ति के साथ साथ वो चला आया जो वो जो वो बगुला था वो बूढ़े व्यक्ति के साथ साथ चला आया क्यों आया कीड़े इकट्ठा करने के लिए फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था ओल्ड फेलो था वो बहुत धैर्यवान व्यक्ति था और वो सभी प्राणियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था हर हर प्राणियों के प्रति दयालु भाव था उसके अंदर एंड ऑफ एन टर्न अपड ऑन पर्पज टू गिव फूड ठीक है और हमेशा जो है पक्षियों को खाना या दाना दिया करता था चुगने के लिए ठीक है और वन डे द डॉग केम रनिंग टू होम एक दिन कुत्ता दौड़ते हुए उसके पास आया पुटिंग हिज पाज़ पाज मतलब होता है पंजों को ठीक है पुटिंग हिज पॉज़ अपने पैरों को उसने अगेंस्ट हिज लेग अपने पैर जो है उसके पंजे जो थे उसके अपने पैरों से मतलब पैरों में फंसाए हुए थे उसने एंड मोशनिंग विथ हिज हेड और अपने सर के बल जो है वो आ रहा था ठीक है कुत्ता जो था उसका उसका पंजा जो है वो पैरों में फंसा हुआ था एक दूसरे के पैर में क्रॉस करके और वो घिसरते हुए घिसते घिसते अपने सर के बल आ रहा था और कुछ जो है ज़मीन पे स्पॉट भी छोड़ रहा था निशान भी बनाते हुए चला आ रहा था द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थाट पहले बार में तो बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि जो उसका पेट है वो अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है एंड डिड नॉट माइंड इट और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट लेकिन जो कुत्ता था वो कुछ देर ऐसे ही मूव करता रहा कभी इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता और बिल्कुल उसी पोजिशन में ठीक है अपने पैरों पंजों को पैरों में फंसा के देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ऑफ फ्यू यार्स टू अ प्लेस तभी बूढ़े व्यक्ति का मन में आया कि चलो देखते हैं आखिर कुत्ता कहाँ ले जाना चाहता है और वो कुत्ते के पीछे पीछे हो लिया और कुछ यार्ड्स पर कुछ दूरी पर गया एक ऐसी जगह पर गया बच्चों टू अ प्लेस एक ऐसी जगह पर गया वे द एनिमल बिगैन अ लेवली स्क्रैचिंग थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ब्रिड बोन और बिट ऑफ तो वो कुत्ता उसको ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर पहुँचने के बाद कुत्ता जो है स्क्रैच करने लगा ठीक है जमीन को खोदने लगा ठीक है तो बूढ़े व्यक्ति को लगा शायद इसलिए खोद रहा होगा क्योंकि यहाँ पर कोई जो है हड्डी पड़ी होगी या फिर हो सकता है मछलियाँ जो है यहाँ पर इसमें पड़ी होंगी ठीक है इसीलिए ये जो है इसको खोद रहा है ठीक है द ओल्ड मैन स्टक इज़ हो इन द अर्थ और उसी वक्त जो है बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया जो अपना फावड़ा था उसको अपने धरती में ज़मीन पे गड़ा दिया वेन लो अ पाइल्ड गोल्ड ग्लेम बिफोर हिम और तभी अचानक क्या हुआ उसने देखा कि वहाँ पर जो है सोने का खूब खजाना गड़ा हुआ था ज़मीन में ठीक है पाइल ऑफ गोल्ड मतलब होता है सोने के जो है गट्ठा सोने की जो गट्ठा होती है सोने का जो है ए, कह लीजिए आप इकट्ठा सोना वहाँ पर मिल गया ठीक है तो इस तरह से सोने का भंडार कह लीजिए पाइल मतलब होता है भंडार है ना बच्चों तो सोने का भंडार अगली मतलब चमक उठा उसके सामने जो है सोने का भंडार चमक उठा आप देख सकते हैं इस ऐसा ही सीन में कुछ दिखाया है ना कुत्ता जो है देखिए कैसे पैर से पैर फंसा के आया हुआ है और उसने जब जमीन पर खोदना शुरू किया तो पहले तो ओल्ड मैन को लगा कि जो है वो स्क्रैच इसलिए कर रहा है ऐसा यहाँ पर बोन्स या फिर फिस बिट्स यानी कि जो है मछलियों के टुकड़े पड़े होंगे दैट इज वाई ही इज स्क्रैचिंग लेकिन ऐसा नहीं था वहाँ पर पाइल ऑफ गोल्ड थे इसीलिए वो लेकर आया था अपने मास्टर नहीं को मालिक को ठीक है चलिए आगे देखिए दस इन एन आवर वर मेड रिक और कुछ ही घंटों में क्या हुआ जो बूढ़े व्यक्ति थे वो बहुत अमीर हो गए ठीक है अमीर हो गए बच्चों क्यों क्योंकि भाई सोना मिल गया था तो सोना मिलने के बाद तो कोई भी अमीर हो जाएगा दैट इज इट है ना चलिए आगे देखिए द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड उसके बाद जो है बूढ़े व्यक्तियों ने क्या किया कुछ जमीन खरीद ली मेड अ फेस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स और फेस्ट मतलब होता है दावत और अपने दोस्तों को दावत दी एंड गैप प्लेंटी फुल्ली टू देयर पुअर नेबर्स और अपने गरीब जो उनके पड़ोसी थे जो कि बहुत दुष्ट थे उनको भी दावत बुलाई और बहुत कुछ दिया उनको ठीक है उनको उनके भी कुछ सेवा कर दी और काफ़ी कुछ उनको दे दिया ठीक है जैसे सोना दे दिया थोड़ा बहुत की चलो भाई दयालु लोग थे ही तो अपने पड़ोसियों को भी थोड़ा बहुत दान दे दिया एज़ फॉर द डॉग लेकिन जो कुत्ता था दे पेटेड हिम टिल उसको बहुत सेवा करने लगे उसके पास ठीक है उसकी बहुत देखभाल करने लगे उसके जो है अच्छे से उन्होंने देखभाल करी कुत्ते की दे नियरली समर्ड हिम विन काइंडनेस और उसको ठीक है बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगे ठीक है नाव इन द सेम विलेज अब उसी गाँव में देअर लिव्ड अ विग्ड ओल्ड मैन एक दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति रहता था ठीक है एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी भी रहा करती थी ठीक है नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड लेकिन वो जो बूढ़े लोग थे ठीक है वो जो दूसरे बूढ़े लोग थे वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं थे और ना ही उनके अंदर कोई दया भावना थी दयालु बिल्कुल नहीं थे वो लोग ठीक है बहुत दुष्ट थे हु हैड ऑलवेज स्कोल्डेड ऑल डॉग्स वो लोग सारा दिन कुत्ते को जो है पैर मारते और डांटते रहते और भगा देते ठीक है वेन एवर एनी पास्ट देयर हाउ जब भी कोई कुत्ता उनके घर से गुजरता तो उस कुत्ते को मारते और भगा देते हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक ठीक है दे कॉक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश ठीक है जब उन्होंने सुना कि उनके पड़ोसी का जो कुत्ता है वो किस्मत जो है वो क्या अच्छी जो है जहां जहाँ सोना गड़ा होता है वहाँ वहाँ, वहाँ वो रास्ता बता देता है तो उन्होंने क्या किया दे क्वाक्स द डॉग उन्होंने कुत्ते का पीछा किया इनटू देर गार्डन जहाँ पर वो कुत्ता रहता था ठीक है वहाँ पर उस मैदान में वो लोग गए एंड सैट बिफोर हिम बिट्स ऑफिस और उसके सामने कुछ मछलियों का टुकड़ा रख दिया एंड अदर डैमटीज़ और उसके अलावा दूसरे कुछ खाने रख दिए डैमटीज डैंडीज मतलब होता है जो खाता है कुत्ता ठीक है उसके सामने कुछ खाने वाली चीज़ें रख दी होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम इस बात की उम्मीद करके सब उनको खिला रहे थे कुत्ते को कि हो सकता है वो भी उनके लिए ऐसा ही सोने का खजाना लाकर दे दे बट द डॉग लेकिन जो कुत्ता था बी अफ्रेड ऑफ द क्रूल प्योर वो डर गया था क्योंकि जो ये दोनों जो, जो बूढ़े व्यक्ति थे बहुत ही क्रूल यानी कि दुष्ट थे वुड ना इधर इट वूब ठीक है इसीलिए कुत्ते ने ना कुछ खाया ना ही वहाँ से हिला ठीक है वो समझ गया था कि ये लोग दुष्ट हैं ठीक है थीके? अब देखिए देन दे ड्रैगड हेम आउट ऑफ डोर लेकिन जब कुत्ता अपने आप नहीं आया तो उसको घसीटने हुए ड्रैग मतलब होता घसीटते हुए उन्होंने दरवाजे से उसको घसीटते हुए बाहर ले गए टेकिंग आई स्पैड साथ में एक फावड़ा लिया और खुरपी भी ली अपने साथ नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगैन टू पा इन एक्सैस द ग्राउंड जैसे ही कुत्ता जो है बाहर निकला ठीक है और एक पाइन ट्री के पास पहुंचा उसने क्या किया वो गार्डन में जैसे ही पहुंचा उसने क्या किया अपने पंजों से ज़मीन पे स्क्रैच करना शुरू कर दिया एज इफ़ अ माइटी ट्रेजर लेबनीट और ऐसा मालूम चला जैसे कि नीचे ज़मीन में सोने का भंडार गड़ा हो ठीक है क्विक वाइफ द स्पीड एंड हो तभी जो है ग्रीडी फोल्ड जो बूढ़ा लालची व्यक्ति था उसने अपने पत्नी से कहा पत्नी लाओ जल्दी से मुझे खुरपी और जो है कुल्हाड़ी दे दो ठीक है एज ही डांस ट्विट जो आए और वो डांस करने लगा खुशी के मारे कुत्ते ने हमको खजाना दिलवा दिया है देन द कॉेटियस कॉबिटियस मतलब होता है लालची बच्चों ठीक है क्या होता है लालची होता है ग्रीडी का सिनोनिम है ये। देन द कॉबटियस ओल्ड फ्लो तभी जो लालची जो बूढ़ा व्यक्ति था विद आई स्पेड अपने कुल्हाड़ी से एंड द ओल्ड क्रोन ठीक है और जो जो अपने साथ औजार लेकर आया था ठीक है एक जो क्रोन मतलब होता है बच्चों एक प्रकार का जो है नुकीला हथियार होता है जमीन खोदने के लिए ठीक है तो आपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया था नुकीला हथियार और साथ में खुरपी भी लेकर आया था बिगेन टू और वो खोदना शुरू कर दिया बट देर वाज नथिंग लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला बट आर डेड किटन बल्कि मरा मरी हुई बिल्ली की बच्ची मिली द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर नोज और इतनी बुरी तरह से बदबू उसमें से आ रही थी कि उनको अपनी जो है औजार लेकर साथ में आए थे उसको वहीं पर छोड़ना पड़ा एंड सट देर नोजेज और अपनी नाक बंद करनी पड़ी फ्यूरियस डॉग कुत्ते के ऊपर वो गुस्सा हो गए द ओल्ड मैन किग्ड एंड बीट हिम डेम और गुस्सा हो गए तो उन्होंने क्या किया कुत्ते को पैर से मारा और इतना मारा कि कुत्ता बेचारा क्या हुआ मर गया उसकी डेथ हो गई एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली और जब कुत्ता मर गया तो जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या किया सारा काम उसने खुद किया मतलब कि उसने कुत्ते के जो है सर को काट दिया चॉपिंग ऑफ head उसके कुत्ते का जो सर था उसको काट दिया वसार्फ हो नी खुरपी से देर देन फ्लंग हिम इन टू द होल उसके बाद उन्होंने एक जो है होल में उसको गाड़ दिया एंड हीप्ड द अर्थ होवर इज कारकाश ठीक है और क्या किया उसकी जो लाश थी कारकाश मतलब होता है जानवरों की लाश और उसकी जानवरों की लाश के ऊपर मिट्टी उड़ेल दी यानी उसको दफना दिया ठीक है दफना दिया मारने के बाद ठीक है बच्चों द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड द डेथ ऑफ हिज पेट जब मालिक ने जब कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू कुत्ते की मौत के बारे में सुना मॉर्निंग फॉर हिम वो उसके लिए रोने लगे बिल्कुल बिलखने लगे इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वो उसको इतना मानते थे जैसे कि उनका अपना बच्चा हो और उनसे रहा नहीं गया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे वेंट एट नाइट अंडर अ पाइन ट्री उसी रात जो है क्या हुआ उसी रात जो है वो मालिक जो है उसी पाइन ट्री के नीचे गया ही सेट अपम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड उसने क्या किया कुछ बम्बू ट्यूब्स लगा दिए ठीक है बांस के कुछ ट्यूब आप यहां पर देख सकते हैं इसे लगा इस कुत्ते की दफन कुत्ते जहाँ दफन है उसी कब्र के आसपास बम्बू ट्री लगा दिया ठीक है बम्बू ट्यूब्स लगा दिए ग्राउंड में सच एज आर यूज बिफोर टॉम्प जैसा कि टॉम्प वगैरह में यूज किया जाता है आपने देखा होगा जो है टॉम्प्स वगैरह जहाँ पे मकबरा उबरा होता है वहां पर ऐसा लगाया जाता है ठीक है इसको इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स और उसमें कुछ ताजे ताजे फूल रख दिए देन ही लेड अ कप ऑफ वाट פוטר तब वो एक गिलास पानी लेकर आया एंड अ ट्रे और उसमें और एक ट्रे लेकर आया जिसमें कुछ खाना रखा हुआ था ऑन द ग्रेव कहाँ पर कब्र में ग्रेव मतलब कब्र होता है एंड बर्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स और काफ़ी कुछ लकड़ियाँ जलाई ठीक है इंसेंस किस लिए ठीक है उसके जो है श्रद्धांजलि देने के लिए ही माउंट अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट और वह वहीं पर कब्र में अपने कुत्ते के लिए रोने लगा ठीक है रोने लगा उसकी याद आ रही थी कॉलिंग हिम मनी डियर्स नेम्स और उसको प्यारे प्यारे नाम से बुला रहा था अपने कुत्ते को एज इफ वर रियलाइज जैसे कि वो जिंदा हो दैट माइट दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम उसी रात क्या हुआ स्पिरिट यानी कि आत्मा जो थी कुत्ते की ठीक है अपने मालिक के सपने में आई और बोली कट डाउन द पाइन ट्री जाओ और पाइन ट्री को कट कर दो ओवर माय ग्रेप जो मेरे कब्र के ऊपर है उसको कट कर दो एंड मेक फ्रॉम इट अ मोल्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस उसने कहा और क्या करो एक कटोरा में मोटर मतलब होता है कटोरा उन्होंने बोला जाओ उससे एक कटोरा बनाओ ठीक है लकड़ी का कटोरा बनाओ एंड राइस पेस्ट्री जिसमें आप जो है अपने राइस चावल की पेस्ट्री को रखना एंड मिल और एक साथ में एक मिल बनाना ठीक है मिल मशीन बनाना ठीक है किसके लिए स्वास के लिए ठीक है बीन स्वास के लिए सोया सॉस के लिए एक मशीन और साथ में एक कटोरा बनाना ठीक है चावल की पेस्ट्री के लिए ठीक है तो देखिए बच्चों सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री ठीक है देखिए सपने में आया हुआ इस तरह से कुछ है ना देखिए आप तो चलिए आगे देखते हैं तो जैसा ऐसा उस कुत्ते ने कहा था वैसा वैसा हुआ वैसा वैसा होने का मतलब क्या है सो द ओल्ड मैन शॉप डाउन द ट्री बूढ़े व्यक्ति ने पेड़ को काट दिया एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक आ सेक्शन अबाउट टू फीट लॉन्ग और ठीक है और जो है पेड़ को कट आउट और मिडिल और पेड़ के जो बीच में था जो ट्रंक थी जो शाखा थी उसको उसको भी लगभग दो फीट लंबा तक काट दिया था विथ ग्रेट लेबर बहुत मेहनत करने के बाद ठीक है बहुत मेहनत करने के बाद पार्टली बाई फायर पार्टली बाई द चीज़ल ही स्क्रैप्ड आउट आ होलो प्लेस बाय एज बिग एज स्मॉल बाउल ठीक है उसने क्या किया बहुत मेहनत करी बहुत आग जलाई ठीक है बहुत ज़्यादा उसने जो है धीरे थोड़ा सा आग जलाई ठीक है थोड़ी सी उसने क्या किया उसमें धुआं दिया ही स्क्रैप्ड आउट आ होलो प्लेस एज बिग एज आ स्मॉल बाउल ठीक है और उसने क्या किया एक होलो प्लेस यानी एक ठीक है जो है एक छिछला सा जो है उसने एक जगह बनाई जैसे कि एक छोटी सी कोई कटोरी ठीक है ही रिन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड तभी उसने क्या किया उसी लकड़ियों से ठीक है एक हैमर बनाया बनायाथौड़ा बनाया लकड़ियों का सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस जो कि चावल कूटने के काम में आता है वेन न्यू इयर्स टाइम ड्रू जब नया साल आया ठीक है ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री तो उसने उस चावल की पेस्ट्री बनाने की सोची वेन द राइस वॉज ऑल अबाउट जब चावल सारा का सारा उबल गया था ग्रैनी पुट इन टू द मोटर तब वो मोटर जो उसने पाइन ट्री से बनाया था जो कि कुत्ते ने बताया था कि उस पाइन ट्री का एक कटोरा बनाओ तो उन लोगों ने लकड़ी का कटोरा बना के रखा हुआ था और जैसे ही उस चावल को उस कटोरे में दादी जी ने डाला यानी कि उसकी पत्नी ने डाला द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड और उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने जो है हैमर को उठाया ठीक है आपने उसको जो है हथौड़ी को उठाया टू पाउंड द मास चावल को पीसने के लिए एंड टू द टुकड़ों में एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग एंड ऑल एंड द ब्लोज फेल हैवी ठीक है और जो उसको पीस रहे थे तो काफ़ी भारी हो गया था एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग ठीक है और उसको पेस्ट्री जो थी जो चावल की पेस्ट्री थी अब उसको सुखाने के लिए तैयार कर रहे थे उसको कटोरे में रख दिया था सडनली लेकिन तभी क्या हुआ अचानक द होल मास जो पूरा का पूरा आटा था टर्नड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइंस वो पूरा का पूरा सोने के सिक्कों में बदल गया जी हाँ ठीक है जो पूरा का पूरा जो आटा था जिसको चावल जिसको उबाल के रखा था पीसने के लिए ठीक है वो पूरा क्या हुआ उसी कटोरे में सोने का बन गया व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल और जब उस बूढ़ी औरत ने हैंड मिल जो कि उस पाइन ट्री से बनाया था जो कुत्ते ने बताया था कि एक मिल बना लेना जैसे ही उसको हाथ में लिया एंड फिलिंग इट विथ बीन्स और उसमें जैसे ही बीन्स को सोन सोयाबीन को डालना शुरू किया ठीक है उसको पीसना शुरू किया द गोल्ड ड्राफ लाइक रेन और उस मिल से क्या बरसने लगा सोने की बारिश होने लगी जैसे बरसात में होती है पानी वैसे ही सोने की बारिश होने लगी मीन वाइल द एनवियस नेवर पास्ट इन एन विंडो एंड वेन द बॉइल्ड बीन्स वर बींग ग्राउंड ठीक है और उसी वक्त क्या हुआ जो लालची पड़ोसी थे उन्होंने क्या किया खिड़की से झांक कर देख लिया जब उन्होंने देखा कि जो बॉयल्ड बीन्स हैं ठीक है जो उबले हुए जो सोयाबीन हैं वो क्या हैं सोने में बदल गए हैं तो उन्होंने क्या बोला गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग सी सा इच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इन येलो गोल्ड जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या देखा उसने झांक झांक कर देख लिया था कि प्रत्येक जो आटा है जो सॉस है ठीक है जो सोयाबीन का जो सॉस है उसको हैंड मिल में डाल ही वो सोने का बन जा रहा है एंड इन अ फ्यू मिनट द टब अंडर द मिल वॉच फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड और कुछ ही मिनट में क्या हुआ जो मिल था उसमें जितना भी सोयाबीन रखा हुआ था वो सारा का सारा सोने में बदल गया सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन और इस तरह से बूढ़े व्यक्ति फिर से अमीर हो गए थे द नेक्स्ट डे अगले दिन द स्टिंगी एंड विक्ट नेवर जो दुष्ट पड़ोसी थे ठीक है केम एंड बॉरोड द मॉल्टर उन्होंने क्या किया उस बूढ़े आदमी उस बूढ़े औरत और व्यक्ति से क्या मांगा उस जो है मॉटर कटोरे को मांगा एंड मैजिक मिल और साथ में उस मैजिक मिल को भी मांग लिया दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस और उन्होंने क्या किया उस कटोरे को जो है भरे उस उबले हुए चावल से भर दिया एंड अदर विद द बीन्स और मिल में क्या भर दिया बीन्स भर दिया ठीक है देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड उसके बाद जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने पाउंड करना शुरू किया पीसना शुरू किया एंड द वमेन टू ग्रिंड और उस जो है औरत थी उसने उसको जो है मतलब बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया उसको ठोकना शुरू किया कुल्हाड़ी उसके हथौड़ी से और बूढ़ी औरत ने क्या किया जो बीन था उसको मिल में पीसना शुरू किया बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न देस्ट्री एंड सॉस टर्न इंटू अ फूल मास ऑफ वॉम लेकिन जैसे ही पहली बार में पीसना शुरू किया द पेस्ट्री एंड सॉस चावल की जो पेस्ट्री थी जो कटोरे में रखी हुई थी और जो वो सोयाबीन थी जो कि मिल में पड़ी हुई थी वो सब किस में बदल गई वो साड़ी की साड़ी कीड़ों में बदल गई वाम्स उसमें सोने की जगह कीड़े पड़ गए थे स्टिल मोर दिस अब इस पर और ज़्यादा गुस्सा हो गए बूढ़े दोनों लालची व्यक्ति देख चॉप्ड द मिल उन्होंने क्या किया मिल को टुकड़ों तुकड़ टुकड़ों में काट दिया इन टू पीसेस ठीक है टू यूज़ एज फायरवुड और उसको लकड़ियों में जला दिया लकड़ियों को जलाने के रूप में लकड़ियों का इस्तेमाल कर लिया तो बच्चों पार्ट वन हमारा यहीं पर होता है फिनिश पार्ट टू मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको ठीक है आज आप इसका करेंगे कॉम्प्रीहेंजन चेक ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन है वाई डिड द निवर स्किल डॉग ठीक है जो पड़ोसी थे उन्हें कुत्ते को क्यों मार दिया दूसरे में है चलिए बताइए राइट आइटम क्या है द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग बूढ़े व्यक्ति बूढ़े जो किसान थे वो अपनी पत्नी और उनकी जो पत्नी थी वो कुत्ते को बहुत प्यार करती थी क्यों बिकॉज़ इट हेल्प डेम इन देयर डे टू डे वर्क क्योंकि वो उनकी जो है रोज़ मदद किया करता था काम में या फिर ठीक है दूसरा है एज़ इफ वाट इफ एज If it was their own baby, क्योंकि वो उनके अपने बच्चे की तरह था सी है एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग तीसरा है इसलिए क्योंकि वो सभी के सभी जानवरों से बहुत प्यार किया करते थे फिर देखिए सेकंड में क्या है बच्चों आपका क्वेश्चन when द ओल्ड कपल बिकम रिच जब बूढ़े व्यक्ति अमीर हो गए तो उन्होंने क्या किया gave द डॉग बेटर फूड उन्होंने कुत्ते को अच्छा खाना शुरू किया इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेवर्स उन्होंने अपने लालची जो है लालची जो उनके नेबर्स थे उनको दावत पर बुलाया सी है लिव्ड कंफर्टेबली बहुत आराम से जीना शुरू कर दिया और एक दूसरे से दयालु भाव से ठीक है जो पुअर नेबर्स थे जो उनके गरीब नेबर्स थे उनको भी दान वान देते रहे ठीक है थर्ड है आपका द ग्रेडी कपल बारोड द मिल जो लालची जो कपल थे उन्होंने क्या किया बूढ़े व्यक्ति जो थे दोनों उन्होंने कपल उन्होंने जो है मिल को उधार लिया उस आदमी से बूढ़े व्यक्ति से एंड मोल्टर और साथ में कटोरा भी उधार लिया क्यों किस लिए लिया था क्या बनाने के लिए राइस पेस्ट्री एंड बी सॉस ठीक है राइस की पेस्ट्री और जो है सोयाबीन का सॉस बनाने के लिए दूसरा है मैजिक कैश टू विन रिवार्ड्स और फिर उसको जो है उसका जो है उन्होंने इनाम जीतने के लिए लिया था या फिर थर्ड है आप पाइल ऑफ गोल्ड या फिर सोने की जो है भंडार पाने के लिए लिया था तो आप इसका आंसर बताइएगा बच्चों ठीक है हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कल कंप्लीट करेंगे आई मीन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे ठीक है क्या हो सकता है अगर शाम तक अगर टाइम मिलेगा तो मैं कंप्लीट कर दूंगा तो आप लोग कॉम्प्रेंशन मेरे पास सेंड करिए इसके अलावा अगर कुछ छूटा हुआ है जैसे कि अगर आपको लगता है कि चैप्टर ग्रामर में कुछ छूटा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग या कोई क्वेश्चन आंसर छूटी हुई है तो आप मुझे बताइए मैं उसको करवा दूंगा या आपको पी फॉर्म में सेंड कर दूंगा ठीक है बच्चों तो दैट इज़ ऑल फॉर टूडे माई डियर स्टूडेंट्स फॉर मोर क्वेरीज ठीक है आस्क में ऑन व्हाट्सअप Thank you so much. Have a good day ahead.